सो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरा जो ये हल्दिया का ट्रिप है, हल्दिया का पार्ट टू है, इसमें आप सभी को वेलकम करता हूँ। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ढेर 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 सारा थैंक यू। बाय द वे, हल्दिया का जो सेकंड पार्ट है वो लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि जो एडिटिंग वाला पार्ट है वो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से मैं कंप्यूटर में बैठ नहीं पा रहा था और एडिट भी नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल अभी एडिट हो गया, तो व्लॉग जो है वो आप लोगों के सामने है। अभी लाइक के साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में आके टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं उतना अच्छा मोटो व्लॉगर नहीं हूँ, बहुत सारा चीज़ मेरे को जो है आप लोगों से सीखना भी है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई जगह पे ये चेंजेस करना है, वो चेंजेस करना है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स जो है वो खुला हुआ है, आप वहाँ पे आके टाइप कीजिए। मैं कोशिश करूँगा मेरा जो सामने वाला व्लॉग्स होगा उसमें उसको रेक्टिफाई करने के लिए। और एक चीज़ दोस्तों जो मेरे को आप लोगों को बोलना था, थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के वजह से ही मेरे को जो है मोटिवेशन मिलता रहता है, कि क्योंकि राइड मैं पहले भी करता था बट मोटो व्लॉगिंग मेरे लिए नया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके अच्छे से आप लोगों को दिखाने के लिए मेरा जो ट्रिप रहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जो हल्दिया का सनसेट व्यू पॉइंट था वहाँ से आपका हल्दिया टाउनशिप की तरफ निकल गए हैं, एंड इसी रूट पे आपका हल्दिया का डॉक और हल्दिया को जो पोर्ट एरिया है वो सब इसी रूट पे पड़ता है, राइट साइड पे पड़ता है। और ये वाला जो सामने का जो एरिया है ये पूरा ये इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब इंडियन जो नेवी का, इंडियन नेवी के अंडर में पड़ता है। और ये देखिए लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा हनुमान जी का मूर्ति है, और इसको देख के आपको पता चल जाए कि आप हल्दिया टाउनशिप में एंटर करने वाले हैं। यह है आपका टाउनशिप का जो एंट्रेंस गेट, और यहाँ से जो है आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते बाइक लेके, क्योंकि उसके सामने अगर आपको जाना है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। और राइट साइड का जो ब्यूटी है वो भी बहुत ही सुंदर है। तो अभी हम लोग यहीं पर कुछ देर तक रुकेंगे, यहाँ पर बहुत सारा रथ वगैरह भी है, रुकेंगे उसके बाद आपको यहाँ का फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते हैं, टाइम लैप्स दिखाते हैं, तो फिर वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है हल्दिया डॉक पे पहुंच गए हैं, डॉक थोड़ा सा पास है जहाँ से आपका जहाज वगैरह सब कुछ, हाँ बट आपको थोड़ा सा नाव वगैरह सब पीछे दिखेगा, और अगर आपका लक अच्छा होता है तो आपको जहाज़ भी दिखेगा उस साइड पे है, कुछ जहाज़ है शायद कैमरा पे आ रहा है पता नहीं, बट आ रहा है। बस यही अपडेट है, बस यहाँ का जो ब्यूटी है उसको इन्जॉय कीजिए। अभी बारिश के टाइम आए हम लोग, इसलिए ये जो जगह है थोड़ा सा मड्डी हो गया है, बट अगर आप थोड़ा सा गर्मी के टाइम या नॉर्मल टाइम में आता, हवा मस्त इधर पे मस्त चल रहा है जो हवा है, और आप आ सकते हैं यहाँ पर कल भी। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो वो देखिए दूर में जो है बारिश हो रहा है, कुछ देर में शायद इधर भी आ जाएगा, और वाटर का जो फोर्स है वो भी बढ़ गया है। तो अभी अपडेट कुछ ऐसा है कि ज्वार के साथ साथ बारिश भी आने वाला है, और बहुत ही ज़ोर से आने वाला है, तो इसलिए जो नाव है उसको पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, और हम लोग एक जस्ट टाइम लैप्स लेके निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे वेस्ट नहीं, क्योंकि घर भी पहुँचना है।
और लंच भी करना है। दोस्तों अभी क्या है कि हम लोग यहाँ का हो गया सब काम, अभी वापस जाना है, वापसी करना है बट गड्ढा औचो। तो अभी जो है हम लोग जा रहे कोलकाते की तरफ, बीच में हम लोग को लंच करना है। अगर ठीक ठाक दुकान मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोलाघाट में कोई भी अच्छा सा रेस्टोरेंट में बैठ के आज का लंच ख़त्म करेंगे। और फिर वो मौसम जो है, ये मौसम की बारिश ऐसा टाइप का हो गया कुछ, तो मौसम जो उतना अच्छा नहीं है आज का। तो दोस्तों बूंदाबांदी जो है वो फिर से चालू हो गया, और कैमरा को अभी अंदर रख देंगे, और भूख भी बहुत ज़ोर का लगा है। सो अभी खाना जब खाएंगे तभी आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों होटल का नाम पता नहीं, भूल गया हूँ, ठीक है। तो होटल का नाम है भाई भाई, तो और हम लोग को बहुत ज़ोर का भूख लगा है। अभी 3:42 हो रहा है और बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं तो भूख लग गया है, सीट भी टायर्ड हो गया, हंगरी हो गया, फिर खाने के बाद फिर बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ऑर्डर कर दिए खाना, तो सामान बिखरा फैला हुआ है एकदम, जैसे पापा जी का होटल है ऐसे ही हम लोग पूरा एकदम पूरा रूम को ले लिया है। हम लोग देखिए राइडिंग जैकेट वगैरह सब ऐसे पूरा, जितना रूम का जितना एरिया था हम लोग पूरा ले लिया। तो भाई लोग हम लोग का जो खाना है रोटी और तड़का आ गया, बहुत जोर का भूख लगा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सीधा तो खिदे भेजो दो महाराज, तो सीधा तो लाइट मैन बन गया है। तो ठीक है चलिए, बाय बाय। तो दोस्तों अभी हम लोग का जो है लंच कंप्लीट हो गया, घड़ी में जो है 4 बज रहा है, और किलोमीटर भी ज़्यादा नहीं है, मेरा घर तक दिखा रहा है 94 किलोमीटर, कंप्लीट करना है उसको। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल वाला जो घंटी है उसको भी हिट कर दीजिए, उससे मेरा जो वीडियो है वो जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ होगा वो सबसे पहले आप ही के पास आएगा। और जो लोग पहले से ही मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी अपडेट कुछ ऐसा है कि बारिश जो है रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, और जो पॉथहोल्स है रोड पे वो भी पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करके गाड़ी चलाना है, क्योंकि नॉर्मल टाइम से जब बारिश होता है उस टाइम स्किड होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये टू व्हीलर है। सो बेसिकली फोर व्हीलर पे भी मतलब स्किड होता है, ब्रेक लगाने से ब्रेक नहीं लगता है, बट टू व्हीलर में गिरने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पहले से ज़्यादा कंसंट्रेशन अभी रोड के ऊपर डालना है हम लोगों को। और आप लोग भी जब भी बारिश में गाड़ी चलाइए, बाइक टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर जो भी हो, जब बारिश होता है उस टाइम रोड के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सामने रोड पे फोकस करना है, आपका कंसंट्रेशन जो है आपका रोड के ऊपर भी रहेगा, सामने भी रहेगा, और पीछे भी मूवमेंट पर नोटिस रहना चाहिए आपका, क्योंकि पीछे भी कुछ हो सकता है। पीछे से भी आप सोचो, आप अच्छा गाड़ी चला रहे हो बट पीछे वाला बंदा शायद नींद में आ गया या कुछ भी हो गया। सो आपको हमेशा अलर्ट रहना है।
पता नहीं मौसम जो है ना अचानक से पूरा एकदम पूरा प्योर ऑरेंज हो गया, दिख रहा होगा शायद आपको, पूरा जो एकदम ऑरेंज हो गया अचानक से पूरा। डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं, 22 किलोमीटर का है। हमने जो रेन कवर खोल दिया था बट फिर से ज़्यादा आया तो फिर से बारिश हो गया, फिर से पहनो। तो दोस्तों अभी जो एक्शन कैमरा है इसको खोल के टैंक बैग के अंदर रखना है क्योंकि बारिश जो है बहुत ही खतरनाक सा हो रहा है। और मेरे यहाँ से मेरा घर भी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, 20-30 किलोमीटर्स बाकी है। और अगर कुछ अपडेट होता है तो बताता हूँ, नहीं तो वीडियो का एंड यहीं पे होने वाला है।